ये क्रंच चेक करें भाई इसका। ओए होए 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 होए। और ये चावल मसाले वाले, आए हाय हाय। इनकी गार्लिक सॉस और टमाटर की जो चटनी है ना, वो इनकी मील को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, फाइनली हम लोग अल्ताज़े जा गए हैं। अल्ताज़े जो है ना सिर्फ यूट्यूब पे आज तक देखा था, आज खुद इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई अल्ताज़े इतने मज़े का है भी या नहीं और अल्ताज़े का एक्सपीरियंस कैसा होता है। चलते हैं और ट्राई करते हैं, साथ ही रहें भाई। ये इनका सीटिंग एरिया है, फर्स्ट फ्लोर पर, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत खुला है। और यहाँ जो इनके बॉक्सेस बने हुए ना, ये बेस्ट हैं फैमिली के लिए। आप ये बंद करके अटैक कर सकते हैं खाने पर सुकून के साथ। तो भाई ताज़ेज का ना, हमारे पास चिकन कब्ज़ा विद राइस और इनका एक गेम बॉक्स है जिसमें डीप फ्राइड क्रिस्पी बर्गर है इनका, जो कि मेल्टेड चीज़ है जिसके अंदर। वो वैसे मैंने नहीं लिया, मैंने तो राइस नहीं है, लेकिन वो वाइफ के लिए था। वाइफ ने उस पर काफ़ी अटैक कर दिया, ये बेचारा थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा इसकी भी बाइट ले लें। यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहली दफ़ा मैंने देखा कि पूरा बर्गर डीप फ्राइड, जिसमें ये अच्छी बात है कि सौगी बिल्कुल नहीं है। सॉस इसके अंदर जो मेल्टेड, जैसे नेचुरल सॉस होती है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन चिकन थोड़ा सा फ्लेवर में कमी है। थोड़ा स्पाइसी या मसालेदार होना चाहिए था कुछ सीजनिंग इसमें ना, या ब्लैक पेपर ही ज़्यादा होती तो अच्छा है पहली बार दफ़ा ट्राई करने के लिए। उसके बाद भाई अब हम कब्ज़ा ट्राई करेंगे। पहले इसके जो है ना चावल ऊपर से बड़े मसालेदार होते हैं, चमचे वाली कहानी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ये देखा कि एक तो आखिर में ना सारा इसके फॉइल के नीचे सब मसाला जो है अंदर नीचे जाके बैठ गया। हाथ से खाएंगे, हाथ से। ओहो, ये देखें बोटियों का हाल, बोटी उठाई और बोटी नीचे ही गिर गई बिल्कुल, और जो बोन है वो हाथ में ही रह गई। ये चटनी रेड जो सॉस होती है, जो अक्सर मंदी वगैरह में मिलती है, इसको डालेंगे चावलों पे। और ये डाली बोटी इसके ऊपर, इसको निवाले को घुमाया नीचे से ज़रा, फॉइल में जो मसाला बैठ गया ना। और ये ताज़े इसके चावल यार, बहुत टाइट। हम जब से लंदन से निकले हैं, मैकडोनल्ड्स के बर्गर की KFC से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। हमने मदीना में भी खाया था कि कहीं सर्विस अच्छी नहीं है, बर्गर अच्छे नहीं है, सॉस ड्राई है, ये वो, लेकिन ये खाना ना अब तक का बेस्ट है सऊदीया का मेरे हिसाब से, जो हमारा एक्सपीरियंस है। उनका जो है चिकन राइस कब्ज़ा जो है ठीक ठाक, 4 से 5 बोटियाँ एंड ड्रिंक, ये सिर्फ और सिर्फ 31 रियाल का है, विच इज़ आई थिंक वेरी चीप। मुझसे पूरा नहीं खाया जाएगा, अच्छी खासी ये दो लोगों की मील है मेरे ख्याल से। बोटी, थोड़ी सी गार्लिक सॉस और ये चावल मसाले वाले, आए हाय हाय। ओए होए 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 यार, क्या गार्लिक सॉस है, ओए होए होए भाई। दोबारा गार्लिक सॉस, चटनी डालेंगे टमाटो वाली, ओए होए 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 होए। फुल लतपत हो रही है चावल और बोटियां सॉस में। ये जो है ना मोहब्बत भरी निवाला, आय हाय हाय। टेन रियाल के 4 स्प्रिंग रोल चिकन, और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ चिकन करते हैं, हर चीज़ चिकन की है, तो ये रोल भी चिकन के हैं। पहले रोल वैसे ही लेंगे। रोल मज़ेदार है, आप रोल में सरसा जैसे नॉर्मली हम रमज़ानों में घरों में खाते हैं वैसे ही रोल है। उसमें हम डिप करेंगे गार्लिक सॉस से। ओह यार, ओ इनकी गार्लिक सॉस और टमाटर की जो चटनी है ना, वो इनकी मील को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है। मैं एक और निवाला जब तक बनाता हूँ, मोहब्बत भरा फुल जूसी सॉसों में डूबा हुआ बोटी के साथ, तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, शाहरुख खान साहब को इजाज़त दीजिए, शाहरुख इन फ्रेम से, अल्लाह हाफिज़।